गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मराठी देख आज आपण मराठी बघणार आहोत। काय आहे मराठी मध्ये, चलो क्या आहे मराठी में देखते हैं। धडा 14वा चित्र संदेश। चित्र संदेश म्हणजे काय, पिक्चर मैसेज काय आहे तो आपण बघूया। चला क्या है देखो, यहाँ पे क्या बताया है, पहा आणि सांगा, आपको देख के बताना है। देखो ये जो दो पर्सन है वो कहाँ पे बैठे है आपको अंदाजा तो आया होगा। एक जो है वो बस में बैठा है और एक जो है वो ट्रेन में बैठा है। देखो जो सीट है वो सीट देख के हम लोग को पता चलती है बस की सीट कैसे होती है और ट्रेन की सीट कैसे होती है कि दोनों बस में है, सॉरी दोनों बस में है। क्या है, बस मध्ये किंवा बस मधून बाहेर थुंकू नये मैसेज दिला आहे। आणि दुसऱ्या पिक्चर मध्ये काय आहे, बस मध्ये कचरा टाकू नये। हाँ हम लोग को, आप लोगों ने ये जब भी ड्राइविंग करते हो बस से तो आपने देखा होगा कि मैसेज लिखे होते हैं, महिलांची जागा, पुरुषांची जागा, लहान मुलांची जागा, गरोदर स्त्रियांची जागा, वृद्धांची जागा, अशी लिहिलेली असते, मैसेज दिलेली असतो। सीनियर सिटीजन के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, छोटे बच्चे, बड़े इंसान, ये लेडीज सीट, मेल जेंट्स सीट, ऐसे लिखे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैसेज भी दिया होता है कि बस मध्ये कि बस च्या बाहेर रोकाऊ नका, सामने मैसेज होते हैं चालत्या बस मधून उतरू नका, ऐसे मैसेज होते हैं आपने देखे होंगे। तो वैसे ही मैसेज इधर दिखाए हैं, बस मध्ये कचरा टाकू नये। ये सारे मैसेज आप लोगों ने देखे हो या नहीं मुझे नहीं पता, पर अभी इसके आगे कभी भी आप बस में ट्रैवलिंग करोगे तो जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी मैसेज होता है लिखा हुआ, वो आप रीड किया करो तो आपको याद ध्यान में आएगा। नेक्स्ट क्या है, चालत्या वाहनात घाई घाईने चढ़ू नये, अगर उतरू नये। जो चालत्या वाहनात मतलब कोई भी गाड़ी जो है, चलती हुई गाड़ी में चढ़ना नहीं है और उतरना भी नहीं है। और दूसरा क्या दिया है, चालत्या वाहनातून हाथ बाहर काढू नये। हाथ जो है चलती हुई गाड़ी में से हम लोग को हाथ बाहर नहीं निकालना है। डोकाउन पाहून पाहणे धोक्याचे आहे, मतलब ऐसा मुंडी निकाल के देखते ना छोटे बच्चे, वो देखना क्या है धोखादायक होता है। ऐसे हमारी मम्मी पापा हम लोग को बोलते हैं, अगर हम आप बड़े हो, किसके भैया दीदी हो, तो आप लोग आपके छोटे भाई बहन को भी बोलते हो कि बाहर हाथ मत निकाल, बाहर हाथ मत निकाल, ऐसे बोलते हो कि नहीं। और नीचे क्या दिया है, बिना टिकट प्रवास करने हाँ गुना है। बिना टिकट मतलब बिना टिकट के ट्रैवलिंग करना क्या है, गुना है। हम लोग को टिकट खरीद के ही क्या करना है, ट्रैवलिंग करना है। मना का ब्रेक उत्तम ब्रेक, ब्रेक लगाते हैं हम, ब्रेक गाड़ी में जो ब्रेक होता है वो क्या है, मना का ब्रेक मतलब सोच समझ कर हम लोग को ब्रेक लगाना है। हम लोग को कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोग ने ड्राइविंग करते हुए देखा होगा कि वहाँ ने सौकास चलवा, जो गाड़ी है वो धीरे चलाओ, ऐसे मैसेज होते हैं रास्ते में भी। क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। ये जो मैसेज होते हैं ये हम लोग को रीड करना है, अगर नहीं आता तो किसी को भी रीड करके बोलना है, ये मुझे रीड करके दिखाओ। अभी आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए हो तो आपको मराठी और हिंदी अच्छे से तो रीडिंग आता ही है। आगे क्या है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय में क्या दिया है, प्रश्न पहला, बस मधील सूचना व संदेशांचे वाचन करा। जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो भी कुछ लिखा है वो सब आपको रीड करना है, सूचना मतलब इंटरेक्शन और जो संदेश मतलब मैसेज वो आपको रीड करना है। सार्वजनिक ठिकाणी लिहिलेल्या सूचना वाचा, त्या वहीत लिहा वर्गात वाचून टाका। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस पे जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और क्लास में रीडिंग करना है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस पे क्या क्या लिखा हुआ होता होगा कि यहाँ पे कचरा डालना मना है, यहाँ पे पार्किंग करना मना है, यहाँ पे थूकना मना है, ऐसे मैसेजेस होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने बिल्डिंग की जो दीवारें होती है वो दीवारों पे लिखा हुआ होता है। हाँ वर्गात भिंतीवर लिखा ये अच्छा सूचना करा। क्लासरूम में आपको कुछ भी मतलब इंट्रक्शन देने हैं तो वो इंट्रक्शन जो है आप बनाओ और क्लासरूम में लगाओ। क्लासरूम के लिए क्या रखोगे आप लोग इंट्रक्शन, कि वर्गात शांतता रखा, क्लास प्लीज साइलेंट, ऐसे लिख कर रख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, काही लोक सूचनांप्रमाणे वागत नाही ते का असे वागत, ते का तसे वागत नसावे, आपसात चर्चा करा।
कुछ लोग जो है इंट्रोडक्शन रीड करते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं वो चर्चा करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, तुमच्या शाळेत कोणकोणत्या ठिकाणी सूचना लिहाव्या लागतील ते ठिकाणी ठरवा, तेथे लिहायच्या सूचना मित्रांशी चर्चा करून तयार करा। आपके स्कूल में ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पे आप मैसेज बता बोल सकते हो और लिख के रख सकते हो, वो जो प्लेस है वो प्लेस आप लोग डिसाइड करो और वहाँ पे वो मैसेज लगाओ। क्या लगा सकते हो आप लोग कॉरिडोर में कि लाइन से चलो, प्लीज वॉक इन क्यू, प्लीज स्टैंड स्ट्रेट, डोंट टॉक, ऐसे लिख सकते हो, बोलू नका पैसेज मध्ये, तुम्ही बोलू नका पैसेज मध्ये, शांतता राखा पैसेज मध्ये, एका रंगेत चाला, ऐसे आप लोग इंट्रक्शन लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को आइडिया दी है, आप लोगों को वो करना है, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे दूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।